हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्टूडेंट पर्पस लैपटॉप गाइस, जिसे आप अंडर 20,000 परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, इस लिस्ट में जो भी मैंने लैपटॉप पिक किया है गाइस, वो हाई एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप नहीं है, जिसमें आप हैवी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये जस्ट गाइस डे टू डे वर्क, लाइक प्रोडक्टिविटी जो वर्क होता है स्टूडेंट पर्पस से, लाइक जैसे आपको कोई असाइनमेंट तैयार करना हो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करना हो, या थोड़ा बहुत फोटोशॉप चलाना हो, या मल्टीमीडिया करना हो, या लाइट वेट गेमिंग करना हो, तो ये लैपटॉप गाइस उन लोगों के लिए है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, नंबर 5 पे जो लैपटॉप है गाइस, वो है लेनोवो का आइडियापैड 320। अगर हम बात करें इसके मॉडल नंबर की तो ये है 80XV00PNIN। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की, कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बात करें गाइस इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको AMD का डुअल कोर A6 APU देखने को मिल जाएगा। और जो इसमें रैम है गाइस, वो है 4GB DDR4 रैम। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की, तो इसमें आपको 1TB का HDD, मतलब कि 1TB का स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसका जो प्राइस है गाइस, वो है 11,494 रुपीस। नंबर 4th पे है गाइस HP का 15, जिसका मॉडल नंबर है AY016TU। चलिए बात करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें जो आपको रैम है गाइस, वो 4GB रैम DDR3 देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको इंटेल का सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी डिस्प्ले है, वो 15.6 इंच की HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो कि एंटी ग्लेयर के भी साथ आता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की, तो ये 500GB HDD आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो इसका प्राइस है गाइस, वो 17,997 है। तो गाइस, अब नंबर 3rd पे आता है लेनोवो का V110, जिसका मॉडल नंबर है गाइस 15AST। चलिए बात करते हैं हम इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें गाइस जो आपको स्टोरेज है गाइस, वो 500GB SSD देखने को मिल जाता है गाइस। वहीं अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको AMD का डुअल कोर A6 APU देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं हम इसकी रैम मैनेजमेंट की, इसमें जो आपको रैम है गाइस, वो 4GB DDR4 देखने को मिल जाता है। वहीं जो डिस्प्ले है, वो 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करें, तो ये 17,450 के आसपास है। नंबर 2nd पे है गाइस HP 15, जिसका मॉडल नंबर है DA0322TU। तो गाइस, अगर हम बात करें इस लैपटॉप की प्राइस की, तो ये आपको 15,494 के लगभग पड़ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें गाइस आपको 1TB HDD देखने को मिल जाता है। और जो इसका डिस्प्ले है गाइस, वो 15.6 इंच का आपको इसमें बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी रैम की, तो इसमें आपको 4GB रैम DDR4 देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है गाइस, वो है इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर। तो गाइस, लास्टली अगर हम बात करें, अब नंबर 1st पे जो लैपटॉप आता है गाइस, वो है एसूस का X540BA, जिसका मॉडल नंबर है गाइस GQ120T। अब चलिए गाइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, कि ऐसा इसमें क्या खास है जो ये 1st नंबर पे। तो गाइस, इसमें आपको AMD का गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर डुअल कोर A9 APU देखने को मिल जाता है गाइस अंडर 20,000। वहीं अगर हम बात करें गाइस इसकी रैम मैनेजमेंट की, तो इसमें आपको 4GB का DDR4 रैम देखने को मिल जाता है गाइस। और जो लैपटॉप का साइज़ है गाइस, वो है 15.6 इंच का गाइस, जो कि जो रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है गाइस, वो है 1366x768 पिक्सल। चलिए बात करते हैं हम इसकी स्टोरेज की, तो इसमें आपको 1TB का गाइस HDD देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी स्टोरेज भी है। तो ओवरऑल गाइस, ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा गाइस, अगर जस्ट आपको एक स्टूडेंट पर्पस से चाहिए गाइस, जिसमें आप अपनी हर एक प्रोडक्टिविटी कर सकते हो गाइस, तो आई थिंक गाइस ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। जो बाकी जो भी लैपटॉप मैंने बताई गाइस, वो भी बेस्ट है गाइस अपने कैटेगरी में, लेकिन गाइस ये ओवरऑल सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।